मेन तो अदिति स्टफिंग बनाना ही है। ठीक है, तो फिलहाल ये रहा अद्विक सर का सैंडविच। अरे खाने से पहले ही नाटक चालू हो जाती है अपनी। टेस्टी है अपना तो, ज्यादा टेस्टी बनेगा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो फिलहाल 10:50 हो रही। फिलहाल आज के वीडियो में ना अपन बनाएंगे भैया सैंडविच। और हमेशा मैं सैंडविच सबको बाहर खिलाने लेके जाता हूँ, पर इस बार सैंडविच भैया मैं बनाऊंगा। मम्मी ना ब्रेड लेके आई थी, सैंडविच वाले बड़े ब्रेड आते ना वो लेके आए थे भैया, तो मस्त से ब्रेड थे। अरे ब्रेड से पहले ये देख लो, अदिति ने आज बाटिया कैसी कच्ची खिलाएगी हमको। अभी बाटिया उबाल ली है, बाटिया बना ली है, उसको उबाल लिए, अब उसको है ना अदिति सेकेगी। ये देखो भैया, मम्मी ना ब्रेड लेके आए थे सैंडविच वाले, बड़े बड़े ब्रेड है ये देखो। अपन का भी आज मार्केट से क्या क्या लाना है, पनीर, कैप्सिकम, अदिति दही अच्छा वाला दही, और क्या बोला था, बटर, और नहीं ना यार कुछ ना कुछ तो छूट रहा है, म्यूनिस छूट रही है, तो म्यूनिस भी हो सका तो ले आएंगे या फिर घर पर बना लेंगे। पिज्ज़ा सॉस लेके आना है भैया आज, सैंडविच मस्त वाला बना के, जो मार्केट में मिलता है ना सेम वैसा सैंडविच आज मैं सबको घर पे खिलाने वाला हूँ। फिलहाल तो अपने पास ये था, तो यहाँ पे कितने दो सैंडविच एक बार बन जाए, एक सैंडविच इधर एक सैंडविच इधर, दो सैंडविच आराम से अपन इसके अंदर बना के दे सकते। तो आज तो अपन सैंडविच बनाने वाले हैं, और कैसे बनाएंगे सब बताऊंगा, आपको बताऊंगा, आप भी बनाना, आप भी खाना, क्योंकि मैंने भी सीखा है, मैं आपको सिखाऊंगा, इधर का ज्ञान लेके इधर दे रहा हूँ। क्या चाहिए बेटा? आज अम्मी बेटे को मैं कुछ दूंगा, ठीक है? आटा बेटा टेस्टी लगेगा। लॉलीपॉप है ही नहीं। आए भैया लॉलीपॉप इसके, अब आए थे लॉलीपॉप है यहाँ पे नहीं है, तो आप कैसे दूँ मैं मेरे बच्चे को लॉलीपॉप? अबे तो ये भी नहीं है बेटा, ये चॉकलेट है, चॉकलेट खाली है वो भी। वो गायब हो गई, कहाँ गई? खाली चॉकलेट ही पैक करके दे देते, देखो कुछ भी नहीं निकली खाली पन्नी, इस पन्नी के अंदर। विदित, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। हेलो, तो फिलहाल इधर बन रहा है छाछ, दही का वो मैंने छाछ बनाया, ये दो बॉक्स है इसके अंदर। ये देखो भाई यहाँ पे बन रहा है सैंडविच, ओह सॉरी दाल बाटी, बाटिया बन, बाटी शिकारी भी इसके अंदर। ये हमारा देसी ओवन है, इसके अंदर आप पिज्ज़ा भी बना सकते हो, सैंडविच बना सकते हो, बाटी बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो इसके अंदर। इसके अंदर है ना आराम से इसको जला दो गैस पे, और फिर बाटी सेक लो या फिर पिज्ज़ा। हम पहले सबसे पहला पिज्ज़ा मैंने इस पर बनाया था, पिज़्ज़ा सब कुछ बना लिया, इस पर रख दिया और ढक दिया, तो अच्छे से पफ आ गया था। जो ओवन बोलते हैं वो वही काम करता है। ठीक है, इस फिलहाल तो आजकल के बच्चों में इतना दिमाग, वो मैं गोली मार था, मैंने उसको गोली मारी तो छुप गया था, छुप के मार रहा है तो छुप जाएगा, डिश 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 डिश, अब मारेगा निकल के देखो। वाह विदित, कहाँ से सीखा आपने ये सब? वहाँ पे छुप गया। पकड़ गई। हे गाइस, तो फिलहाल अभी सुबह के 11:50 हो रही है, अपने घर का तो सारा काम निपट गया, झाड़ू पोछे हो गए, कपड़े वॉशिंग मशीन में लगा दिए थे, ऊपर से नीचे तक के पोछे लगा दिए आज, उसके बाद फिर खाना भी बन गया और बच्चे भी नहा धो के तैयार है, अभी मम्मी पापा खाना खा रहे, तब तक अपन ये बेडशीट को चेंज कर देते हैं। एक महीना हो गया भैया बेडशीट चेंज नहीं हुई, इतनी तरीके से गंदी हो रही है ना। क्या कर रहा है ऐसा बैठ के? बस। तो फिलहाल अभी 1:11 हो रही है, अब भी मैं जा रहा हूँ मार्केट सामान लेने के लिए, बहुत सारा सामान लाना है, मैंने लिख याद तो नहीं है, मैंने लिख के रख लिया, क्योंकि एक आधी चीज भूल गए ना तो फिर इतनी दूर वापस जाना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी सामान लेके आते हैं, फिर सैंडविच बनाएंगे, 3-4 बनाऊंगा जब सबका सब जन जैसे सब सो जाते हैं, फिर सो के उठेंगे तो थोड़ा नाश्ते का टाइम हो जाएगा ना, फिर सबको सैंडविच खिला देंगे। अब भी सब जन ने खाना खाया, अभी 12:30। ठीक है, तो चलो फिलहाल सारा सामान तो ले लिया, पर एक बार सच्ची सच्ची बता देता हूँ, रुक जाओ अरे गाड़ी चालू कर लें तो, ठंडी हवा खाते खाते बताऊँगा अभी मैं। अपन सैंडविच खाने जाते तो कितने का खाएंगे भैया? मैं यदि सबको ले जाऊँगा ना तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 500 में सैंडविच खा लेंगे, और बहुत मस्त सा, एक सैंडविच 120 का मिलता है तो 3 ही सैंडविच खाएंगे ना, यदि पूरी फैमिली को भी ले जाऊंगा जब भी 3 सैंडविच खाएंगे, 3 सैंडविच कितने के 120 के हिसाब से,
360 रुपए। उधर मैंने पिज्जा सैंडविच का सामान लिया है, कितने का है पता है? ये टोटल सामान आया है 520 रुपए का। 520 रुपए का टोटल सामान आया है, और ब्रेड अलग, ब्रेड 50-60 रुपए का मम्मी ब्रेड ले गई है। मतलब मान लो 600 रुपए का सामान आया है, 600 रुपए के सैंडविच बनेंगे, और वहाँ रेडीमेड खाने जाते हैं तो 300-400 रुपए में तो मस्त पेट भर के खा के आ जाते। 500 में तो हद हो गई, खवाता ही नहीं, इतने लोट लोट जाते वहाँ पे। चलो फिलहाल जो भी है सैंडविच बनाना था घर पे लेके आए सामान, पूरा सामान बहुत सारा लेके आया हूँ, बनाएंगे खाएंगे। पर वहाँ पे भी अच्छे ही बनाते ना यार, वो खराब तो बनाएंगे नहीं, फिर अपन घर पे बना के खाएंगे। वो क्या चूल मचती ना एक कि नहीं भैया घर पे बना के खाऊंगा मैं, पिज्जा भी घर पे बना के खाऊंगा मैं, सैंडविच भी घर पे खाऊंगा मैं, तब सैंडविच खाएंगे भैया घर पे बना के। अच्छी में यार, इससे अच्छा तो मैं घर वालों को बाहर ही ले जाके खिला देता। ठीक है, तो फिलहाल देखो पिज्जा बनाने में क्या क्या लगेगा। ये मेरे को क्यों प्यार दिखा रही है, तो पिज्जा बनाने में क्या क्या लगे, सॉरी अरे पिज्जा नहीं बेटा, गलती से मुझसे ना सैंडविच बना रहा हूँ, सैंडविच वाला पिज्जा बना दूंगा, सैंडविच वाला पिज्जा बना दूंगा ना आपको मैं एक। तो सैंडविच बनाने में क्या क्या लगेगा, सैंडविच वाले बड़े वाले ब्रेड, उसके बाद में बटर, उसके बाद में मोजरेला चीज़ और पनीर, मेयोनीज लेके आओगे, दो दो पैकेट घर की पसंद नहीं आ रही थी, पास्ता सॉस, पिज्जा सॉस और चिली फ्लेक्स, और ये ओरिगेनो, ये पुदीना की चटनी बनाएंगे, शिमला मिर्ची, नींबू लगेगा और प्याज लेगा भैया, प्याज वहाँ से ले लेंगे। बोलो पिज्जा बना लो क्यों नहीं, पिज्जा थोड़ी ना बनता बेटा, पिज्जा नहीं बनाना। मैं आपने बोला खिलाऊंगा और खिलाया भी नहीं। खिला दूंगा बस अगले साल। नहीं ठीक है, अगले साल जाओ जाओ ऐश करो बेटा, जाओ ऐश करो, अच्छे पापा जाओ, विदित के सामने बोलना गंदे पापा जाओ। चलो भैया अपन ने ना अधिक को एक पिज्जा यही लेंगे, ब्रेड लेंगे, ब्रेड के ऊपर आराम से पिज्जा, ब्रेड लेंगे, ब्रेड के ऊपर पिज्जा सॉस लगा देंगे, फिर थोड़ा सा स्टफिंग वगैरह ये डाल देंगे, शिमला मिर्ची, थोड़ी मेयोनीज भी डाल देंगे, चीज़ डाल देंगे, ऐसे ही थोड़ा सा मैक्रोन में डाल के निकाल के दे देंगे उसको, पिज्जा बन जाएगा भैया, बच्चा भी खुश अपन भी खुश, अपन सैंडविच खा लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे अपन ने पनीर काट ली है, पनीर साथ में शिमला मिर्ची भी काट ली है, और यहाँ पे प्याज भी काट ली है भैया। अब एक जो चीज़ बनाने वाले हैं वो चीज़ देख रहा हूँ, सैंडविच तो बनाते आता है लोगों ने ना, सैंडविच कच्चा डाल देते हैं, अपन है ना अलग तरीके से बनाने वाले सैंडविच, मज़ा आएगा। ठीक है, सबसे पहले इसमें डालेंगे अपन तेल, अब इसके अंदर डालेंगे मिर्ची। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट भी था, तो इधर अदरक लहसुन को डाल देती कूट के पेस्ट बना लेगी। हम जो बनाएंगे वैसा आप सभी ने बनाना और खाना, और बताना कैसा लगा, अच्छा लगा बुरा लगा, जैसे लगा हमको बुरा लगेगा तो हम बता देंगे अगर बुरा लग रहा है तो, आप बनाना मत। तेल मास्टर शेफ बताते यार, डालते जाओ तेल, डाल तेल डाल तो दिया, हाँ मिर्ची डाल, मिर्ची गई बस, चल कितनी हो जाती थी, कम डाल डाल दे बस, हाँ उसको मिला अच्छे से, मिला उसको कलर अच्छे से आएगा इसका, बस चरका नहीं अपन नहीं खा पाएंगे, घर वाले सब खा जाएंगे, पापा और मम्मी तो खुश हो जाएंगे, मेरे पापा खुश हो जाएंगे बस। हल्दी जाएगी इसके अंदर, उसके बाद में धनिया, ये धनिया पाउडर, उसके बाद बस बस देवी ज़्यादा मत डाले, गरम मसाला, कस्तूरी मेथी भी गई, काला नमक भी अपना, ये वो वाला था पत्थर जैसा था, खड़ा था उसको मैंने कूटा है, टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला ना, वो डाल दे थोड़ा सा, कैसा बनेगा जैसा बनेगा वैसा बनेगा खाएंगे भैया, बना रहे हम फर्स्ट टाइम घर पे, अभी तो ये आखिरी में डलेगा भैया ये दो चीज़, और ये मैं एक्स्ट्रा में लेके आया हूँ, किसी को लगेगा बच्चों को इसमें ज़्यादा सॉस लगा देंगे सैंडविच में, दही डलेगा ना इसमें, हाँ दही डाल दो, दही दही तो भूल ही गया मैं, दही भी डालना है इसके अंदर, ऊपर ऊपर की मली निकाल ले डाल, और है ना इसके अंदर नींबू का भी डाला है मैंने मेरे हाथों से, नींबू का रस भी डाला है मेरे हाथों से डाला है, इसलिए मैं बना नहीं पाया वीडियो, कोयला लो उस पर घी डाल के ढक दो थोड़ी देर, पर वो अपने पास कोयला है नहीं अभी, जाओगे खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। ठीक है, तो फिलहाल इसके अपन ने डाला है तेल और बटर, और साथ में डाल रहे प्याज, इसको थोड़ा पका हल्का सा पूरा, मतलब वो जो प्याज पकने वाले वो नहीं पकाना चाहिए ना, कलर थोड़ा सा चेंज हुआ, डाल जल्दी डाल, इसको एक मिनट इसको करना है पकाना है, ये हल्का सा पके फिर डाल देना है थोड़ा सा, पनीर भी चले गया इसके अंदर, नहीं तो ज़्यादा नहीं पका, हाँ थोड़ा पका फिर निकाल लेना, बच्चों के लिए निकाल ले, और निकाल अदरक के सिर्फ, और निकाल सिर्फ अदरक खाएगा, थोड़ा सा और निकाल,
बस ये ना मैंने अदरक के लिए निकाला है, इसके अंदर सॉस डाल दूंगा, मेयोनीज डाल दूंगा भैया, इसमें अदरक खा लेगा। पनीर टूट भी जाए तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, पनीर टूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं टूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, सैंडविच में जाएगा वो। हो गया स्टफिंग बन गई, मेन तो आदित्य स्टफिंग बनाना ही है, स्टफिंग बन गया अच्छे से। एक इस पर अपनी स्टफिंग ठंडी हो गई थी तो उसके अंदर मिलाना है ये म्यूनिस, म्यूनिस पूरा डाल दिया मैंने। और इधर अधिक का सैंडविच बन रहा है, देखो अधिक का मस्त वाला सैंडविच बन रहा है। ठीक है तो फिलहाल ये अधिक सर का सैंडविच। अरे खाने से पहले ही नाटक चालू हो जाती है अपनी, स्पेशल बनाया है ये आपके तीन पीस के, मैं चख के देख रहा हूँ, खाओ ना। नहीं आदित्य समझा ले इसको, स्पेशल बनाया उसके बाद में नाटक चालू है, खा बेटा चिराग, जा प्लेट ले चिकू, बैठ जाओ नीचे खाओ, जाओ प्लेट ले आओ, जाओ एक प्लेट ले आओ, इधर इधर नीचे, टेस्टी है अपना तो ज़्यादा टेस्टी बनेगा, मैं तो और ज़्यादा कुछ डाला भी नहीं, सॉस वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है तो फिलहाल ये रहा मम्मी का सैंडविच, ये देखो भैया अभी क्या पता किसे लगेगा, वाह सैंडविच के ऊपर फीकी दाल बाटी, पहले रखो और सैंडविच खा के बता दो कैसा लग रहा है, सैंडविच खा के बता दो कैसा लग रहा है, पहले खा के बता के देखो, ठीक है पहले ज़्यादा एक्सपेक्टिंग बढ़ देते हैं, ज़्यादा ही कुछ बढ़ा, कैसा लग रहा, अच्छा लगा, ठीक है अधिक कैसा लगा, पसंद आ गया अधिक को तो हकाल दो इसको, हकालो एक तो फिलहाल दो सैंडविच इसमें बना रहे हैं हम, ये सैंडविच बनाने का बुलाया था ना पेन, इसे बना रहे हैं, इसमें निकाल और कट कर दे बच्चों का, तो कितना अच्छे तरीके से बना है, रुक जा ये देखो चीज़ भी डाल के रखा है इसके अंदर, आपको उसे ना ऐसा कट कर दे क्रॉस में, इधर ला भी खा रहा है, खाते आ रहा है, हाँ तो यहाँ से कट कर दे, चला हाँ चाकू चला, हाँ ऐसा पिज़्ज़ा काटा था ना अपने घर पे, तो कहाँ है, ये रखा है, तो देना था ना देवी शिव देवी, चल काट, सब जन ने खा ले और खाएगी, दो पीस नहीं खाए सही से, बस हो गया, चल भाई बच्चों का सैंडविच बन गया है, मेरे को अपने सैंडविच से अच्छा बच्चों का लग रहा है भैया, लो भाई खाओ भाई, खाओ भाई गिरो भाई, खाओ भाई मेरे बच्चे को दो, लो मेरे बेटे खाएगा सैंडविच, कैसा लगा, फीका है गरम है गरम है, फीका बिया का है, बिया का चीकू खाना बेटा, क्यों खाओ, एक ही फिलहाल सैंडविच तो अब बनाया मैंने, देखो ट्रिपल लेयर, कोई खाना चाहे तो खा सकता है, बिना तोड़ के देख लो, देखो ओरिगेनो चिली फ्लेक्स डालना भूल गया यार मैं, उसी से मेन टेस्ट आता है। ठीक है तो फिलहाल अभी सैंडविच खाया मेरा तो सीरी चढ़ गया, आप भी ना लगे तो मार्केट से बुलाया खा लेना भाई, घर पे मेहनत करोगे और मजे आते नहीं, सच्ची में नहीं मजे आते, इसलिए मार्केट से बुलाया खाना, पैसे भी लग जाते फालतू के। फिलहाल अभी तो चाय तोश खा रहे, वीडियो को पब्लिक और अपलोड कर रहा हूँ भैया मैं, यहाँ पे देख लेना भाई यहाँ जाके वीडियोस को। ठीक है तो फिलहाल अभी खा रहे हैं भैया अपन दाल चावल, आज तो भैया खाना खाना ही दिखा रहा हूँ मैं, अभी ना भैया 9 बजे ब्लॉग बना रहा हूँ, रात के 9 बजे मम्मी पापा चिकू तो गए शादी में खाना खाने के लिए, अपन घर का खाना खा रहे भैया, मेरा ना सिर दुख रहा है आजकल, पहले अदिति का दिन भर सिर दुखता था, आजकल मेरा सिर दुखता है भयंकर, यहाँ से फट रहा है पीछे तक, कुछ करने का मन नहीं करता, कुछ भी नहीं, आँखें सिर सब सब। फिलहाल अभी खाना खाते हैं दाल चावल, ये नींबू का अचार गया, एक तो फिलहाल इधर तो विदित पी रहा है भैया यहाँ पे दूध, आपने विदित को बहुत कम दूध पीते देखा होगा, हम विदित को जैसे तैसे दूध पिलाते हैं। अजीक आपको मार खा के सोना है, प्यार से सोना है, या फिर सो के मार खाना है, चॉइसिस यूर्स, बोलो दूध पीना है, ठीक है भाई आप खत्म तो कर दो, इसकी नौटंकी बहुत ही ज़्यादा चलती है, चॉकलेट है चॉकलेट, ओ मेरा हनुमान बाल हनुमान, ए चाचू है विदित मारी खा गया थी, चाचू का नाम लेगा तो है ना, चीकू दे खींच के दे, चीकू दे चीकू दे, हाँ वेरी गुड अच्छा मारा था, मार चीकू दे चीकू दे इधर आ, इधर बताता तेरे को मैं, इधर
जस्ट चिल, जस्ट चिल आउट। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? जय श्री राम, ओ श्री राम जी के भक्तन।